गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन क्लास इलेवेंथ अभी तक हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस क्या होती है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है स्पीड क्या है विलोस्टी क्या है एक्सलेशन क्या है ये सभी चीज़ें हम अभी तक पढ़ चुके हैं लेकिन आज का जो चैप्टर है उसके अंदर हम जो भी डिस्टेंस है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो भी विलोस्टी है उसको एंगुलर विलोस्टी एंगुलर एक्सलेशन इन चीज़ों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है कि मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है और उस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है दैट इज आर और रेडियस है आर ठीक है और जब वो मान लिया पी से क्याउ पॉइंट तक मूव करेगा तो टोटल डिस्टेंस क्या है एस ट्रेवल करेगा तो जब वो ट्रैवल करते हुए एंगल पर जितना सेंटर पर जितना एंगल ट्रेस करेगा दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है तो हम कह सकते हैं द एंगल सब्टेंडेड बाय ए पार्टिकल एट द सेंटर व्हेन मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिनोटेड बाय थीटा हम इसको थीटा से डिनोट करते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है वो किसके इक्वल होगा आर्क बाय रेडियस तो आर्क बाय रेडियस को हम क्या बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो इसकी यूनिट क्या होगी आपको पता है एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं और जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो डायमेंशनल नहीं होते तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर एंगल होगा तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती तो वो क्या है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है दैट विल बी एम जीरो एल जीरो टी जीरो ओके अब बात करते हैं एंगुलर विलोस्टी की अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है अगर मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो वहाँ पर हम अगर एंगुलर वेलोसिटी देखें तो लीनियर वेलोसिटी को हमने नोट किया था कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई में चेंज इन टाइम तो हम अगर हम देखें एंगुलर वेलोसिटी की तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी एंगुलर विलोस्टी के अंदर हम देखेंगे चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम कि कितना एंगल में चेंज हुआ कितने टाइम के साथ हुआ तो उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हैं और वो किसके इक्वल होगी डी थीटा बाय डी टी ठीक है तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा तो लीनियर वेलोसिटी को वी से नोट करते थे तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से नोट करते हैं तो मान लेते हैं एक पार्टिकल मूव करता है फ्रॉम पी टू क्यू मान लिया स्मॉल टाइम डी के अंदर तो एंगुलर विलोस्टी क्या होगी चेंज इन थीटा बाई में चेंज इन टाइम थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और बाई में चेंज इन टाइम यहाँ पर ये एंगुलर विलोस्टी को रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर विलोस्टी क्या होगी अगर हम लिमिट लें डेल्टा टी यानी जो टाइम में चेंज है वो जीरो को टेंड करे तो चेंज इन थीटा बाई में चेंज इन टाइम वो किसके कुल होगा डी थीटा बाई डी टी से नोट कर सकते हैं ठीक है और अगर हम बात करें एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की तो हम देखेंगे एवरेज में देखेंगे तो टोटल कितना एंगल में चेंज हुआ कुल कितना टाइम लगा तो वो एंगुलर वेलोसिटी होगी ठीक है अगर बात करें यूनिट की तो यूनिट क्या है रेडियन पर सेकंड ठीक है तो यहां पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता जब टाइम ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस वन होगी ठीक है और सेम होता है जो कि एक फ्रीक्वेंसी की होती है ठीक है तो यही फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशन होता है अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी इनटू में पोजिशन वेक्टर। तो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी के साथ रिलेशन है ठीक है तो इसके बाद है एंगुलर एक्सलेशन एंगुलर एक्सलेशन क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम लेकिन यहाँ पर एंगुलर एक्सलेशन है तो उसको अल्फा से नोट करते हैं किसके इक्वल होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम तो एंगुलर वेलोसिटी में मान लिया चेंज होता है ओमेगा टू से ओमेगा वन तक तो हमारे पास ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन और बाय में चेंज इन टाइम ठीक है रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर से लिख सकते हैं यहाँ पर डी एल्फा किसके इक्वल है डी टी बाय में इन में ओमेगा ओमेगा की वैल्यू हम पहले पढ़ चुके डी थीटा बाई डी या हम कह सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कार्ड एंगुलर एक्सलेशन ठीक है अब इसके बाद है हमारे पास अगर हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास को रिलेशन हमें यूज करने पड़ते हैं तो आज हम करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर विलोस्टी एंड एंगुलर विलोस्टी तो लीनियर विलोस्टी और एंगुलर विलोस्टी यानी वी और ओमेगा के बीच में रिलेशन शो करना है ठीक है तो यहाँ पर थीटा आप में पता है डिस्प्लेसमेंट आर्क बाय रेडियस हमें पता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी थीटा इनटू में आर ये आर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या हो जाएगा डी एस बाई डी टी किसके इक्वल होगा डी थीटा बाई डी टी इंटू में आर और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हम लीनियर वेलोसिटी नोट करते हैं चेंज इन थीटा बाई में चेंज इन टाइम को हमने एंगुलर वेलोसिटी से नोट किया था और आर अगर हम देखें लीनियर विलोस्टी वो क्या होती है एंगुलर विलोस्टी इन टू में रेडियस ठीक है तो ये हमारे पास रिलेशन होगा इसके बाद है रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सलेशन एंड एंगुलर एक्सलेशन तो हमें पता है विलोस्टी क्या होती है ओमेगा आर की कुल जो कि अभी हमने ऊपर वाली इक्वेशन में सोल्व किया है ठीक है अगर हम इस इक्वेशन का एक बार फिर डिफ्रेंशिएशन कर दें तो क्या होगा डी वी बाई डी टी और किसके इक्वल होगा डी ओमेगा बाई डीटी और आर क्योंकि रेडियस है वो क्या है कांस्टेंट है कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता तो इसको बाहर ले, ले लेंगे तो डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिखा था अभी एल्फा एल्फा क्या था हमारे पास एंगुलर एक्सलेशन ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास ए e की वैल्यू क्या होती है एल्फा इंटू आर एल्फा क्रॉस आर तो ये वैक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं ठीक है तो आपको अगर ये रिलेशन अच्छे से पता चल गई तो जब हम आगे टॉपिक करेंगे तो वहाँ पे हमें ये कोरिलेशन यूज़ करने पड़ते हैं और पूरी फिजिक्स में चाहे आप प्लस टू के अंदर स्टडी करना चाहे प्लस वन के अंदर स्टडी करना तो ये कोरिलेशन हमें अच्छे से पता होंगे तो हमें कोई भी डेरिवेशन है उसको सोल्व करने में आसानी रहती है ठीक है तो आप एक बार इनको ज़रूर ड्राइव करके देखें इनको लर्न करें और अच्छे से कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की ट्राई करें ओके थैंक यू